नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। से मर्चरी हाउस में कल्पना चावला मर्चरी हाउस में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोग खड़े। और बता दें कि एक मामला सामने आया है जिसके अंदर एक इंद्री के नज़दीक ही पड़ने वाला एक गांव मटक माजरा के अंदर जो है एक मजदूर काम कर रहा था एक घर के अंदर, जिसके बाद उसे तेज करंट लगता है जिसके बाद जो है उसकी मौत हो जाती है। और मौके पर उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग जो है यहाँ पहुंचे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जसपाल जी। तो ये कहाँ पर जो है ये हुआ है ये हादसा? हुआ ये मटक माजरी गाँव इंद्रगढ़ रोड कलंदर पीर के बैक साइड। तो ये लड़के का क्या नाम था जिसकी साथ जिसको करंट लगा? वीर सिंह, महावीर। महावीर, महावीर, महावीर। तो ये कैसे लगा करंट उसे? ये जी हम मजदूरी कर रहे थे, पहले वहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे, जो कोठी का छज्जा था वो तोड़ के चले गए। अच्छा। उसमें कहीं तार सरिये में टच होगी, ठीक है, तो हम नीचे खुदाई कर रहे थे मजदूर, ठीक है, तो उसने वो सरिये का सहारा लिया, ठीक है, तो उस सरिये में करंट था साहब। उस सरिये में करंट था और मालिक भी मौके पे थे। मालिक भी मौके पे जब उसको करंट लगा, यानी जब उसे करंट लगा तो फिर जब करंट लगा तो क्या उसे बचाने की कोशिश की? हाँ, बचाने की कोशिश की, मैंने भागकर ग्रिप निकाल ली है। अच्छा। तो मेरे चार तीन मजदूरों ने उसको उठाया, फिर मालिक ने गाड़ी निकाली, गाड़ी में बिठाकर हम सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। अच्छा, तो अभी जब लेकर आए तो क्या बाद में मौत हुई है, मौके पर हो गई थी मौत? तो वही डॉक्टर कह रहे थे वही हॉस्पिटल में, अभी इसमें थोड़ा बहुत कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहाँ का रहने वाला व्यक्ति वो? इंद्री गांव गुड़ा। अच्छा, इंद्री में ही रहता था? इंद्री में रहता। और परिवार में कितने लोग हैं उसके? परिवार में दो भाई हैं, उसके तो दो लड़के हैं, छोटे छोटे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, दो बच्चे, एक आठ साल का एक छः साल का। जी दो लड़के हैं। जी दो लड़के हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर आपको बता दें कुछ और भी उनके रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके बुआ का लड़का जो कि यहाँ पर, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आप कहाँ रहते हो? मैं नरेश कुमार सर, मैं गाँव रंबा में रहता हूँ। तो ये मतलब कैसे हुआ ये हादसा पूरा, मतलब आप भी मौके पर थे उस समय? सर मैं मौके पर, मैं ड्यूटी पे था, मुझको तो कॉल आया कि ये ट्रेजरी हो चुकी है सर। अच्छा। हाँ जी। आप क्या लगते हैं उनके? सर मेरी बुआ का लड़का है सर, वो बुआ का लड़का। हाँ जी। हाँ जी। तो अभी फिलहाल जो है बता रहे हैं कि मालिक भी वहीं मौके पे मौजूद था। क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं गरीब परिवार से है और कोई कमाने वाला नहीं है घर के अंदर, बता रहे हैं? बस सर माता पिता तो बुजुर्ग हैं, कमाने वाला साधन तो वही था सर घर में। अच्छा, वो वही था। हाँ जी। हाँ जी। बूढ़ा कमा नहीं सकता जी उसका, इतना उसका बूढ़ा कमजोर है, मतलब पहले भी बीमार रहता था जी वो, अब कमाने लायक रहा नहीं। मम्मी भी ऐसी है बेचारी, वो गरीब परिवार से है, बस छोटे छोटे बच्चे हैं दो। अच्छा। कोई कमाने वाला नहीं है घर के अंदर? नहीं जी। बीएमए ही कर रखी थी। हाँ जी। बीएमए भी कर रखी थी, नौकरी की भी बहुत कोशिश की, नौकरी भी। अच्छा, ये पढ़ा लिखा था, बीए की हुई थी इसने, ग्रेजुएट था ये? ग्रेजुएट था सर। ग्रेजुएट था। हाँ जी। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि किसी घर में कोई काम किया जाता है, सबको अपने घर के बारे में पता होता है कि मेरे घर में क्या कहाँ कोई डेंजर है नहीं है। हाँ। ये मालिक की सबसे बड़ी लापरवाही है। यदि कोई तोड़ फोड़ का कोई भी आप काम कर रहे हो तो अपने घर के बारे में पूरी जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी की तारें हट जानी चाहिए थी, हट जानी चाहिए थी, या फ्यूज कटवा देते, चाहे लाइन कटवा देते, कुछ भी करना चाहिए था। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अपनी आशप्रस्ती के चक्कर में कि हम एसी में बैठे और मजदूर बाहर सड़ते रहे, इस कारण ये जो हादसा इसकी वजह से हुआ सर। कितने दिन से काम कर रहा था वहाँ पे? सर आज ही गए थे फर्स्ट। आज ही? अच्छा, आज ही। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी सर। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? सर अपील ये करना चाहेंगे कि जो ये लड़का बहुत गरीब परिवार से था, मजदूर करता, जो उसके बच्चे छोटे बच्चे भी हैं, हम चाहेंगे एक तो जो परिवार है जिसके मकान मालिक के ऊपर कार्रवाई की जाए, और लड़के के लिए जो भी मुआवजा बनता है गवर्नमेंट से या परिवार से वो उसको दिलाया जाए। ये हमारे हाथ जोड़ के सर विनती है। जी 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 जी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ पर मौके पर खड़े हुए हैं, और काफ़ी दुखद खबर है ये, क्योंकि एक परिवार के लिए, क्योंकि माता पिता जो हैं वो नहीं हैं, सिर्फ खुद जो महावीर था और उसके दो बच्चे और यहाँ पर पत्नी, जो कि आप देख सकते हैं। आपको मैं महावीर की तस्वीर भी दिखाने का प्रयास करूं, क्योंकि बता दें ज़्यादा उम्र नहीं है अगर आप देख पाएंगे, और बताया जा रहा है कि वो ग्रेजुएट था, पढ़ा लिखा था, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे मजदूरी का काम करना पड़ रहा था। ये देख लीजिए, मजबूरी में ही उसे मजदूरी का काम करना पड़ रहा था, और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ये काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि घर के अंदर काम करते समय सरिया जो है उसमें करंट आ जाता है, और उसके बाद उसे अचानक से सहारा लेने के लिए जब उसे पकड़ता है तो वो सरिये के साथ चिपक जाता है, जिसके बाद लोग जो है उसे उठाते हैं और बाद में उसे अस्पताल लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उसकी मौत जो है हो जाती है, जिसके बाद अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि सामने मर्चरी हाउस के बाहर हम खड़े हैं, जिसके बाद इसका जो शव है वो परिवार वालों को सौंपा जाएगा। हालाँकि परिवार
के लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से घर के अंदर काम चल रहा था, वहाँ के मालिक को ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी कि मेरे घर के अंदर अगर कोई काम चल रहा है तो बिजली की कोई भी इस तरीके की कोई तार है या किसी तरह का कोई भी करंट जो है वो किसी को ना लगे, तो उसकी पूरी व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है लापरवाही से काम होने के क्या नतीजे निकलते हैं ये आपने देख लिया। और आपसे अपील भी है, इस वीडियो को शेयर करें, अगर घर पर कहीं पर भी कोई काम हो रहा है तो इस बारे में ध्यान ज़रूर दें। जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे तो मजदूरों का ये कहना कि उनकी बहू कह रही थी, उनके लड़के की घरवाली, कि हमारी रसोई में ना कई बार सिंक के अंदर हमारे को थोड़ा थोड़ा करंट महसूस होता है। अच्छा। तो महसूस होने के बावजूद जब उनको पता था अभी हमारे कोठी में कहीं ना कहीं पर करंट है, तो उन्होंने ये काम जो करना था, जैसे मजदूर बुलाए, मजदूरों को ये कहते थे भाई थोड़ी देर इसको बंद कर देते हम, अपना जो भी ग्रिप वगैरह निकाल देते, ग्रिप निकालने के बाद मजदूर काम कर लेते। उन्होंने क्या किया, ना तो ग्रिप निकाले ना कोई कूद, जो भी खड्डे में वो बेचारे खड्डे में कूद गए, और जैसे पानी पीने के लिए गर्मी होगी खड्डे के अंदर, बाहर निकला तो मिट्टी खड्डा था, खड्डे के अंदर ऊपर चढ़ने के लिए किसी चीज़ का सहारा तो चाहिए उनको। जैसे उन्हें सरिया पकड़ के, सरिया नीचे लटका हुआ था, तो उन्होंने सरिया पकड़ के जैसे ऊपर चढ़ा तो उसी में करंट था। तो आप देख सकते हैं परिवार वालों का क्या हाल है, और जिस तरीके से ये पूरा मामला आपने देखा है, काफ़ी दुखद ज़रूर है, क्योंकि परिवार की कुछ महिलाएं भी आप देख सकते हैं इस समय मर्ची हाउस में पहुंची हुई हैं, और यहां पर फिलहाल जो है एक परिवार के लिए काफ़ी दुखद खबर है, क्योंकि काम करने के लिए वो घर पर गया हुआ था, ग्रेजुएट था व्यक्ति, और यहाँ पर फिर भी वो परिवार के लिए मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी इस तरीके से एक बड़ा हादसा हो जाता है, इसका शिकार वो हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो परिवार के जितने लोग हैं वो किस तरीके से आपसे अपील है इस वीडियो को ज्यादा से शेयर जरूर करें। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, घर पर कहीं भी कोई काम हो रहा है तो उसमें सही तरीके से जो है देख रेख करके ही काम करवाएं। कई मजदूरों की इस तरीके से मौत हो जाती है, और परिवार के लिए ही कमाने निकला हुआ व्यक्ति जो कि काम करते समय करंट की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठता है। तो आपसे अपील करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, अगर घर पर कहीं पर भी कोई काम कर रहे हैं तो ध्यान से काम करें, क्योंकि अगर जब भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो ऐसे ही मजदूरों की मौत होती है, और ऐसे पहले भी कई मामले हमने देखे हैं। तो आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।